बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेशकश दी थी सिटी फॉरेस्ट में लगातार 2 दिन, तो उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं चाहूँगी कि आप सब वरिष्ठ व्यक्तित्व जो हैं वो मंच पर आएँ। आप सभी से विनम्र आग्रह है। आदरणीय कृष्ण बीर सिंह सिरोही जी, पूर्व विधायक, आदरणीय श्री मयंक गोयल जी, आदरणीय भानु जी और भानु सिसोदिया जी और सत्येंद्र जी, आप सब मंच पर आएं और जोर से बोलिए ना, क्या दिक्कत है, धीमे धीमे बोल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया पेशकश, तो एक एक कर आगे आते जाएं, या तो सुखविंदर जी नाम बोलते जाएं अगर नाम से वाकिफ हैं, या फिर वैसे ही एक एक कलाकार आगे आते चले जाएं और उन्हें स्मृति चिन्ह जो है, जो व्यवस्था कर रहे हैं स्मृति चिन्ह की, वो सब भी तैयार रहे। स्नेहा जो है बहुत सहयोग कर रही है लगातार टीम में, हर तरह का पूरा लिस्ट बनाना, सबको सम्मान दिलवाना। बबीता जी आप भी आ ही जाइए ना, आप कैसे पीछे रह जाती हैं, आए। हाँ जी सर, थोड़ा सा। सबसे पहले सुखविंदर जी को सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत लाजवाब टीम है जी आपका, ये जो ग्रुप है सबरंग ग्रुप, वाकई कमाल है, अद्भुत है, बहुत बढ़िया। हाँ ये देखिए, अब ये तालियों के मोहताज छोड़ेंगे, अब ये डांस थोड़ी कर रहे, खुद ही बजा लेंगे ताली। जो इतना बढ़िया डांस कर सकते हैं एनर्जेटिक होकर के, वो तालियां नहीं बजा सकते, उनकी गूंज कहीं ज्यादा लग रही है मुझे। आप ऐसे ही बजाते रहिए ना सारे के सारे। क्या बात है सर, एक ग्रुप के साथ पिक्चर ले। आगे आ जाओ, साथ में आ जाओ, साथ में भगवान जी को तो कम से कम आगे ले जाओ, भगवान जी ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, गगन जी आप सबकी तस्वीरें खींचते हैं, और जब आपकी इच्छा होती है तस्वीर खिंचवाने की तो कौन खींचता है, इस प्रश्न का जवाब दें हमें, क्योंकि इतने खूबसूरत एंगल लेते हैं ये, बहुत ही लाजवाब तस्वीरें खींचते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत ही लाजवाब पेशकश रही आप लोगों की, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब जो है हम चलेंगे बच्चों की तरफ। आनंद जी के उसमें ग्रुप डांस जिन बच्चों ने किया था वो हैं, उन्हें संतोष आनंद जी के हाथों स्मृति चिन्ह मिल गया था। आप तस्वीर के लिए आ जाइए दौड़ करके एक बार। सौम्या, मीना, स्तुति, शुचि, पलक यादव, भूमिका पाल और सौम्या, सोलो किया था सौम्या ने और ग्रुप की भी पेशकश थी उनकी, तो वो आ जाए। दौड़ दौड़ के बच्चों, धीमे नहीं, मैं और मैडम जी आप जल्दी आ जाएं ना, तब से तो आप कह रही हैं हमें जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। अब मैम का मन नहीं कर रहा जाने का, इतने खूबसूरत पेशकश देख ली उन्होंने। और बच्चों सिर दर्द ठीक हो गया ना, किसका हो रहा था, कमाल करते, बच्चों को भी कभी सिर दर्द होता है। हाँ जी, तो चूंकि ये पुरस्कार सम्मान समारोह चल रहा है तो साथ देने के लिए हमारे जो वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं सम्मान दे रहे हैं, उनका साथ देने के लिए मैं मंच पर बुला रही हूँ आरसी माथुर जी को, जितेंद्र चौधरी जी को, राजेश सिंह जी को, आते जाएं, विनीत गोयल जी को, एमके मिश्रा और एसके मिश्रा जी। आरसी माथुर जी, जितेंद्र चौधरी जी, राजेश सिंह जी, विनीत गोयल जी और एमके मिश्रा जी और एसके मिश्रा जी, जी आप सब सहयोग करने के लिए आ जाएं, क्योंकि इन बच्चों को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और अब बच्चों का सरदर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा मैं समझी अब क्यों हो रहा होगा सिर दर्द, ये आपने जो पहन रखा है ना इतना हैवी हैवी, हाँ तो उतार देते दुपट्टे को, तो आपने ये समस्या पहले नहीं बताई तो ये कोई बाध्यता थोड़ा ही है कि आप सर पे दुपट्टा लेके बैठते। ये इतनी देर से कह रहे हैं कि हमें माइग्रेन हो रहा है, बच्चों ये नहीं बताया कि हम इस पोशाक से तंग आए हुए हैं, जो भी तंग आया हुआ तो वो जाके बदल लेता है।
बहुत बढ़िया, लेकिन इन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी थी, बहुत ही कमाल की पेशकश थी, बहुत लाजवाब। हंजी सर सामने। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ये सहयोग बहुत ही बेशकीमती था हम सभी के लिए। आप लोग सभी मंच पर बने रहे, हमें अभी मैं दूसरी टीम बुला रही हूँ। सर आप यहीं रहे, आप सब यहीं रहे, बच्चे जाए, बच्चे माल की पेशकश सुबह दी थी पर्यावरण को लेकर के। जी मैम सामने। हाँ एकेडमी की मैम जो है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हम शुक्रगुजार हैं आपके सहयोग के लिए, और बच्चों को लाना आसान काम नहीं होता है, उनके पेरेंट्स भी, बहुत शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। और अब जो है द्रौपदी एक आवाज कला मंच की ये टीम है, इन्होंने कमाल का नाटक किया था, बहुत भाई इतना अद्भुत नाटक था, इतने एनर्जेटिक बच्चे हैं, और पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दे में हास्य कैसे पैदा किया जा सकता है वो हम अदिति जी से ही पूछेंगे। अदिति जी कमाल की डायरेक्टर है, बिना कोई तनाव लिए बहुत खूबसूरत पेशकश तैयार करवाती भी हैं, और जब मंचन हो रहा होता है तब भी मुस्कुराती रहती है। तो लीजिए अब उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने द्रौपदी एक आवाज कला मंच की जो टीम है वो सभी, आपके नाटक का नाम मैं भूल रही हूँ इस समय, नाटक का नाम क्या था? जैसी करनी वैसी भरनी, सुबह ही देखा था आज, बहुत ही बढ़िया पेशकश थी। हाँ और ये जो अदिति जी हैं इनका नागमंडल नाटक, बाहर बैनर भी लगा है, नागमंडल नाटक यही हिंदी भवन में 4 अप्रैल को है शाम 6 बजे, आइएगा जरूर आप सब। और जो नागमंडल नाटक है वो मशहूर लेखक गिरीश खन्नार जी का लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया नाटककार भी रहे, निर्देशक भी बहुत उम्दा रहे, उन्होंने अभिनय भी बहुत ही कमाल का किया है फिल्मों में किया था, गिरीश खन्नार जी उनका लिखा हुआ नाटक है नागमंडल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये माइक मेरी आवाज खींच रहा है, थोड़ा ठीक कीजिए इसका मामला। थैंक यू। क्या बात है, द्रौपदी का आवाज कला मंच के जो बच्चे हैं उनके नाम मैं वैसे ही बोल देती हूँ सभी के, ऋतिक हैं, राहुल हैं, हरीश हैं, हाँ हाथ खड़ा कर सकते हैं जैसे अटेंडेंस लगती है ना, ऋतिक, राहुल, हरीश, कुमार सौरभ, पारुल, शिव कुमार, शुभम, समर भी है, समर बहुत देर में आए, बहुत बढ़िया टीम है, बहुत सशक्त टीम है, और संभावनाएं दिख रही हैं इन बच्चों में कि ये बहुत अच्छा करेंगे। हुआ क्या था? कारण बाकी हाँ, ये जो आवाज है ना हरियाणा में इसे किलकी कहते हैं, तो जब हम फिल्म फेस्टिवल करते हैं वहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, मनोज वाजपेयी बैठे हैं सामने और सब लोग, मैं वहां मन संचालन करती हूँ, तो जैसे ही सेलिब्रिटी आते हैं तो मैं बस एक ही लाइन कहती हूँ, भाई मारियो किलकी सी एक बार, और जो धूम मचती है मजा आ जाता है। आप भी एक बार किलकी मार के दिखाइयो, मारियो किलकी, गाजियाबाद आ रहे मारी कौन सके, ये तो हरियाणा नहीं कर सके। हाँ ये होती है किलकी, ये थोड़े थोड़े से हरियाणा की तरफ वाले हैं, वेस्टर्न यूपी वाले। आपको सोशल मीडिया पे जो लगानी है अभी अभी अपडेट कर देंगे तुरंत, हाथों हाथ। जो माँ बनी थी आप मुस्कुराइए ना, इतनी खूबसूरत माँ है आप, मुस्कुरा भी नहीं रही है, छोटी सी माँ है। फिर जो है सुखविंदर सबरंग ग्रुप जो है, जो कि लोक नृत्य लेकर के आए। अच्छा रीना जी, ये तो छोटी सी रीना जी है, मैं तो सोच रही थी वो रीना जी नहीं है। अब रीना जी नाम पे जो उठे, अरे ये रीना जी तो हमारी सखी निकली, बताइए हम इनसे इतनी देर बतियाए और नाम ही भूल गए, भाई बहुत मारेंगे आप हमें, है ना। रीना जी आइए आइए, स्वागत है आपका। की बात चल रही है, तस्वीर खींच रही है, तो याद आ रहा है कि पत्थर दिल शहरों में आकर कितने ही पछताए लोग, कांच की दीवारों में घिर कर कितने हैं घबराए लोग,
और मनहूसी छाई है दुनिया भर में, देखो तो अब तस्वीरों में दिखते हैं बस कुछ मुस्काए लोग। तो बस अब तस्वीरों में ही दिखते हैं, मुस्काते हैं लोग। जैसे ही फोटोग्राफर का ध्यान आप पर जाता है, मुस्कान एक इंच और बड़ी हो जाती है हम सभी की। ना वैसे तो हम बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराते। बच्चों के नन्हे हाथों को अब चांद सितारे छूने दो, दो चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो इन बच्चों को छूने दो नया आकाश, नई दुनिया देखने दो इन्हें, और इनमें जो भी प्रतिभा है। अच्छा, आजकल एक और अलग माहौल हो गया है। पहले प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ो, ये भी करो वो भी करो, हम इतने कोर्सेज ज्वाइन करवा देते हैं बच्चे को, डांस भी सीख रहे, सिंगिंग भी सीख रहे। इतना भी मत करो, बचपन छिन जाता है, इतना भी नहीं। उसमें अगर है भीतर ही कुछ तो वो करवाएं, करो ये भी करो वो भी करो, हम इतने कोर्सेज ज्वाइन करवा देते हैं बच्चे को, डांस भी सीख रहे, सिंगिंग भी सीख रहे। इतना भी मत करो, बचपन छिन जाता है, इतना भी नहीं। उसमें अगर है भीतर ही कुछ तो वो करवाएं। इन्होंने गाना गाया था गंधर्व संगीत महाविद्यालय की पूरी टीम आ जाए, जिन्होंने भी पेशकश दी। गंधर्व संगीत महाविद्यालय, गांधर संगीत महाविद्यालय की जो परंपरा है ना संगीत को लेकर के, गीत संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा सहयोग है। और ये बच्चों मेरे पास सुन लो, अब आप जाना नहीं है बिल्कुल भी। गांधर संगीत महाविद्यालय की ये टीम, इन्होंने बहुत लाज, अरे ये नन्ही बच्ची आगे आना बेटा थोड़ा सा, क्या कमाल किया इसने, क्या कमाल किया, जैसे इसके शरीर में हड्डी है ही नहीं, इतनी फ्लेक्सिबल ये, मतलब क्या कमाल, अद्भुत बच्ची। एक बार थोड़ा सा कुछ करके दिखाओगे ऐसे ही, यही अभी थोड़ा सा कुछ भी, कुछ भी एक बार इन्हें करने दीजिए सर, अद्भुत है ये बच्ची। जैसे डांस इंडिया डांस में और उनमें आते हैं, जो पिछली बार विनर रही थी ना लड़की, बिल्कुल वैसी है ये। इसको लेकर के जाइएगा आगे। लेकिन इसके साथ है कि वो घटना थोड़ी अजीब हुई इस प्यारी सी बच्ची के साथ, इसके दांत ना चूहे चूहे लेकर के चले गए, अब पता नहीं कब लौट आएंगे। मुस्कुराती बहुत है लेकिन दांत, फिर भी मुस्कुराती है, ये बड़ी बात है। बहुत खूब बेटा, शाबाश। हाँ जी, ने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में योगदान दिया, पर्यावरण को बचाने के लिए हर तरह का जो भी प्रयास हो सकता था उन्होंने किया। तो मैं एक एक कर नाम लेती हूँ, जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो मंच पर जरूर आए। एकांश पांडे जी क्या यहाँ पर हैं? एकांश जी आइए आइए, एकांश पांडे जी। हाँ जी, एकांश पांडे जी के पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके स्थान पर ये सम्मान वो लेंगे। और पर्यावरण जो है ना, वो हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है वो पर्यावरण है। अब देखिए आपको क्या क्या बचाना है, छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी समस्या पर ध्यान देना है। हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं, हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, हम जो है अपने आवाज से इतना शोर, मतलब गाड़ियों की चिल्लम पों और वो जो है ना, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, धुएं का पोल्यूशन, हर जगह प्रदूषण है। अब तो संभलना पड़ेगा, वरना कोरोना ने दस्तक दे करके समझा दिया है कि अभी भी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी, अपने आप को बचाने का संकट खड़ा हो जाएगा। पहले नाटक करते थे बच्चे कि मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं और हम हंसी में लेते थे, पर ये आज का सच हो गया है। ऐसे ही सिलेंडर लगा करके शुद्ध वायु के लिए घूम रहे हैं, ये भी सच हो जाएगा अगर हम अभी भी नहीं संभले। तो कोशिश करें कि संभले। रमाकांत वत्स जी हमारे बीच में, रमाकांत वत्स जी नहीं है शायद, राकेश गुप्ता जी, राकेश जी सर, अच्छा
जितेंद्र नागर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ में आज नहीं आ पाए मैम, प्लीज करना चाहते हैं करें और उन्हें वो माहौल उपलब्ध करवाना, उनका सहयोग करना। पति की सफलता के पीछे 100% पत्नी का हाथ होता है और अब पत्नियां चाहे ये स्वीकारें या ना स्वीकारें कि उनके पीछे उनकी सफलता के आगे नहीं जाता क्या? नहीं आगे नहीं जाता मेरा, वो तो उनका अपनी बात है, वो माने ना माने, वो इधर उधर होता है, एंगल में आना पड़ता है। विजयपाल बघेल जी भी हमारे बीच में है, रामवीर जी है उनके गाँव से, डॉक्टर जितेंद्र नागर जी जो है वो प्रोफेसर है और बहुत ही अद्भुत उनके कमाल की उनकी क्षमता है ज्ञान को ग्रहण करने की और वो वाकई चिंतित हैं देश में हो रहे बदलावों से, प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ जो है, प्रकृति जिस तरह से असंतुलित हो रही है, तो डॉक्टर जितेंद्र नागर जो है निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि इस प्रकृति को किसी भी कीमत पर बचाया जाए। उनका ये योगदान अतुलनीय है, सराहनीय है, बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके गांव से रामवीर जी हमारे साथ में हैं, हम उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। और रामवीर तंवर जी हमारे बीच हैं क्या अभी? रामवीर तंवर जी शायद नहीं है, सुशील राघव जी वो भी नहीं है, विक्रांत शर्मा जी शायद वो भी नहीं है, विक्रांत तोंगड़ जी, रुचिन मेहरा जी नहीं है। असल में स्थितियां ये बन रही है कि कोरोना के चलते जो है धारा 140 कौन सी होती है 44 होती है, हाँ मेरा दिमाग हो गया, 144 लग गई, लोगों में एकदम से डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो हम जाएं और हमें ही पकड़ ले पुलिस की, भैया कैसे बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था, सरकार का सहयोग है तभी ये आयोजन हो रहा है और आयोजन का लुत्फ वो मजे से लीजिए। और हमने आपको सीमा बता ही दी थी, हालांकि हमने फिर तोड़ दी, हम कोरोना के उससे बैठे थे वैसे अलग अलग साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा सहयोग होता है और वाकई हम कृतज्ञ हैं आपके सहयोग के लिए, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। आदरणीय मयंक गोयल जी, आदरणीय धनु सिसोदिया जी, आदरणीय कृष्णवीर सिंह सिरोही जी, बहुत गर्व की बात है ऐसी विभूतियों का हमारे बीच में होना, हमें सहयोग करना, हमारा साथ देना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। बच्चों शील्ड ना पास वाली कुर्सी पे रख दो और तालियां बजा लो, हाथ फ्री हो गए। और सच में ही सत्येंद्र जी बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की परिकल्पना दिमाग में लाना कि एक ही दिन में दो आयोजन, बड़ा जीवन का काम है, दोनों ही आयोजन अलग अलग स्थलों पर, सुबह हम सिटी फॉरेस्ट जा रहे हैं और सिटी फॉरेस्ट में भी ये कि अंदर पैदल ही चलना होता है, गाड़ी नहीं जाती तो जो है सुबह वहां जाना और उसके बाद, लेकिन अच्छा बड़ा लगा पेड़ों की छांव के तले खुले में आयोजन का होना। और अब मैं बुलाना चाहूंगी जो बहुत देर से तस्वीरें खींच रहे थे, अब सब लोग मिलकर उनकी तस्वीर खींचेंगे, हमारे बहुत ही प्यारे से फोटोग्राफर और कमाल के कलाकार हैं ये गगन। गगन आ रही है, गगन आप आइए, गगन प्लीज आइए, आप आइए, वो अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटेंगे, पहले जो भी पोजीशन बन रही है उसकी फोटो लेंगे और उसके बाद वो ऊपर आएंगे। क्या बात है, और अब गगन जी आ जाएं, चिन्ह दे करके सम्मानित करें क्योंकि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आपने जो साथ दिया है सत्येंद्र जी का, फूलों पर कितनी उससे चल रहे हैं ना लोग, सोच के देखिए टीवी में जब दिखाते हैं ना फूलों पे चलते हुए, क्या लगता है क्या फूलों पे चल रहे, अब किसी ने सोचा सारे फूलों पे से होके गए आप लोग, जरा ऐसे फूलों पे से जा रहे हैं, क्या गजब का दृश्य बनेगा ना, फूलों पर से सम्मान आपको मिल रहा चलते हुए,
आपकी राह में हमने फूल बिछा रखे हैं, पलक पावड़े तो बिछा ही रखे हैं, फूल भी बिछा रखे हैं सर, है ना। लेकिन फूल को भूलकर भी फूल मत खोलिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मुझे पता है फूल बोलते हैं, फूल कभी फूल नहीं होता, वो फूल ही होता है। फा और फा। मैं इस मंच को जिसने संभाला, जिसने पायलट की भूमिका निभाई, श्री अल्पना सुहासनी जी को मैं Thank you.